अस्सलाम वालेकुम। और अब हम बनाने जा रहे हैं सेवियाँ। और अब मैं बनाऊंगी सवैयाँ। हो चुका है हमारा गरम। अब हम डालेंगे सेवियाँ हाफ पैकेट और इनको हम अच्छी तरह से करेंगे ब्रेड। इतना अच्छी नहीं करना सड़के गोला हो जाए। इतना फ्राई करेंगे कि चक्का चक्का खत्म हो जाए। और ये हो चुकी है ब्रेड। अब हम इसमें डाल देंगे दूध और चीनी डाल के फिर से स्टीम में रखते हैं। इसमें मैंने दूध और चीनी मिक्स करके अब इसे दम में पकाऊंगी। और फाइनल सेवियाँ हो चुकी हैं रेडी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मिठाई कढ़ी तकबोधरा। और इसके लिए हमें चाहिए मिल्क पैक। सूखा दूध देंगे एवरी डे का। और इसके हमने चम्मच देख लेने कितने हैं। एक चम्मच और ये दो चम्मच आप इसके लगाने के लिए। ठीक है ओके। और इधर हम रख देंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन में हम थोड़ा डालेंगे घी 5 किलो करीब। फ्राई पैन छोटा रखेंगे छोड़ो थोड़ा। और हल्का सा इसमें हम डालेंगे घी और गरम करेंगे। थोड़ा सा ही है 2 चमचियाँ मेरे ख्याल से इतना मूव होगा। तो पहले खाते काम करना थोड़ा मुश्किल है। इसको गर्म करेंगे और अब हम ले लेंगे मैदा ये खाते काम कर रहे तो आपको थोड़ा सा पता है। 2 चम्मच हमने लिए थे उसके सूखे दूध के और 2 ही चम्मच हम डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच बस। ठीक है इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम मिक्स ये बन चुका है और ये रेडी हो गया। इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है बहुत ज़्यादा बड़ी पाँच नीचे कर मैं इसको क्लोज कर लूँ थोड़ा सा नहीं हो रहा। ये चीज चाहिए हमें बिल्कुल आपकी ऐसी ही रेडी होनी चाहिए। अब इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे और ये गर्म है। अब आपने क्या करना है ये हो गया रेडी और हम इसे 2 मिनट पका के गर्म करके इसे हमने उतार लेना चूल्हे से नीचे। फिर हम आपसे नहीं आपने मिलते नहीं आप मोबाइल लेके यहाँ खड़ी है। थक गई क्या थक गई बड़ी पीछे हमें वीडियो बनाने दो। थक गई बड़ी थक गई। ये देखिए ये ऐसी बिल्कुल आपका बिल्कुल ऐसे रेडी होना चाहिए। आग बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। अब हम इसे नीचे उतार रहे हैं। ये हमने उतार लिए चूल्हे से नीचे। देखें इधर कल कर फोकस करें। ठीक है अब हम इसको नीचे उतार लिए। थोड़ा सा हम इसे ठंडा करेंगे साथ साथ। इसमें है ये बहुत ज़्यादा गर्म है बहुत ज़्यादा। आपने इसमें गर्म गर्म ही डालना है और जल्दी जल्दी से बस मिक्स करना है कि ठंडा ना हो। मैं इसमें सारा ही डाल देती हूँ ताकि खास से हम काम करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो मेरा शीरा पात्र ही हो गया जी। हाँ जी अभी मुझे लग रहा था मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया। आप अच्छी तरह से ऐसे करके मिक्स करेंगे। जो साइड वाला का भी करना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने इसको दोबारा नहीं पकाना आपने बस इसे में मिक्स करना है जल्दी जल्दी से। आपने इसको अब कुछ भी नहीं करना। ये देखें ये ऐसे ऐसे मिक्स करना और बिल्कुल ऐसी ही
इसकी जो सूरत हाल है, इसका जो लुक आया है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अभी हम इसे अच्छी तरह से वो मिक्स करेंगे। इसमें इसको आपने अब दोबारा चूल्हे के ऊपर नहीं रखना। आप देखते, मैं बिल्कुल आपको सामने रख के इसलिए बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट और बहुत मज़े से यमी से बनी है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हाँ मत लगा लीजिएगा। आप ये मत समझे कि ये ठंडा हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। बस इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करने की कोशिश करनी है। कहीं पे आपको इसकी कोई भी सूरत हाल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा हो चुका है रेडी। ओके, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेंगे। ये मैंने चमकिया कि मुझे वो गोल सी शेप कुछ नहीं मिल रही थी, इसलिए लिहाजा मैंने कब तक बनाएंगे, बस ये ठंडा करेंगे और ये रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये फाइनल हो चुका है रेडी। वो मुझसे मैंने उसमें निकाला तो ठंडा हो गया, ऐसे पता नहीं क्या बन गया था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी निकाल के फ्राई पैन में ही इसको जमा लिया। अब हम इसे ओ माय गॉड, हाँ इसे टेस्ट, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी। बड़ी अभी सिर्फ बड़े भैया की दोस्त का भांजा लंदन से वापस आया है, तो वो सिर्फ मिलने के लिए आए। अरे ये वो है, हाँ ना, तो ये बहुत सख्ती होता ही है, बड़े भैया बहुत। अरे इसको क्या कहते हैं, अंगूठी। मेरी वीडियो डिलीट कर।